इसको बिल्कुल तमीज़ ना, इसको पता है किस चीज़ का ना, इसको कोई एक इदारे चलाने की कोई तमीज़ है। उसको अना का मसला उसने बनाया हुआ है, वो पता नहीं क्या पैसे का नशा है इन लोगों को, क्या चक्कर है मेरी समझ से बाहर है। सबके पीछे इंडिया है, उन्होंने चंद्रयान 3 भेजा है और उसकी वजह से बारिशें हो रही है। ये भी एक्टिंग है, बिल्कुल यही यही वजह है। पीसीबी वालों की इतनी औकात नहीं है कि उनका आईसीसी उनके सुन ही नहीं रहा। अगर आप समुंदर के बीच में जाके अगर झींगे छीने तो बारिश आ जाती है। ओह मिथ, ओह रियली, ऑनेस्टली ये किसी ने कहा कि है? मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त सारे इंडियन श्रीलंका में झींगे छील रहे हैं। और इरफान पठान भी कह रहे हैं कि पड़ोसियों के टीवी टूट जाते अगर ये मैच पूरा हो जाता। तो ये दोनों तरफ के जो प्लेयर्स हैं, क्या आपको लगता है कि उसमें कोई सीरियसनेस है या सिर्फ इसको हाइप दी जा रही है? अगर 1% भी चांसेस है ना बारिश के, तो भाई ना मैच कराओ, ठीक है ना? तुम लोगों को खुदा का वास्ता, साल पूरा हो गया एशिया कप का, तरस रहे हैं एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का जो टाकरा है उसको तरस रहे हैं, और ये बारिशों में कराई जा रहे हैं। को पाकिस्तान इंडिया का मैच आ रहा है, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो आप, पाकिस्तान या इंडिया? इंडिया। अब तक मैं इंडिया को सपोर्ट ना करूं मुझे खाना नहीं देती है। विराट कोहली को यार, मतलब कहां विराट कोहली, कहां शाहीन शाह अफरीदी, कल का बच्चा है वो, बाबा हो गया क्रिकेट में विराट कोहली। हार्दिक पांड्या, आई लव यू सो मच। जो है ना बाबर आजम, वो मैच विनिंग प्लेयर नहीं है। तो विराट कोहली मैच विनिंग प्लेयर, मैच विनिंग प्लेयर। अगर आप उसको सिचुएशन दे दोगे ना कि 16 गेंदों पे 60 करना, तो वो कर देगा, लेकिन अगर बाबर है तो वो नहीं करेगा। पता है ये सब ड्रामेबाजी है, ये जय शाह की वजह से हो रही है। सीधे तरीके से उसको ये अनाउंस करना चाहिए था कि कोलंबो में सारे मैचेस हैं 9 तारीख से और तो एंड के टूर्नामेंट तक सब में बारिश है, ठीक है ना? और मेरे पास अगर छतरी होती तो मैं तो आज छतरी रख के ये शो कर रहा होता। क्योंकि वो इस पे क्यों नहीं बात कर रही कि जय शाह की हर डर्मी की वजह से पूरा टूर्नामेंट तबाह हो गया। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी प्रो खिलाड़ी तनवीर अहमद ने एक बार फिर से सस्ता नशा कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि इसने भारत और पाकिस्तान मुकाबले के बीच रखे गए रिजर्व डे को लेकर काफी ज्यादा बीसीसीआई को ट्रोल कर रहा है, और इसका कहना है कि बीसीसीआई के बलबूते एसीसी पूरी तरह से तबाह हो गया है। लेकिन इनको कौन समझाए कि भारत और पाकिस्तान मुकाबले के बीच रिजर्व डे इसलिए रखा गया है क्योंकि उस समय बारिश की ज्यादा काफी ज्यादा आसार हैं, और अगर वो मुकाबला धुल जाता है तो ब्रॉडकास्टर को काफी ज्यादा नुकसान होगा, जिसके वजह से भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के बीच रिजर्व डे रखा गया है। लेकिन इसका ये कहना है कि बाकी मुकाबले में रिजर्व डे क्यों नहीं रखा गया है। लेकिन आपको बता दें कि बाकी मुकाबले में रिजर्व डे इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि उसमें गैप ही नहीं है। पता नहीं क्या पैसे का नशा है इन लोगों को, क्या चक्कर है मेरी समझ से बाहर है। उससे ये नीचे ही नहीं आते। फिर उसके बाद कुछ इंडियन प्लेयर्स कहते हैं कि जी हमारे पाकिस्तान में लोग कहते हैं ओ जी पाकिस्तान की टीम इतनी अच्छी हो गई है कि इंडिया उसको हरा नहीं सकता। नहीं जी भाईजान, हम ये बात नहीं करते। हमारे पाकिस्तान में कोई क्रिकेटर ये बात नहीं करता। ये आप लोग जो इंडिया के क्रिकेटर्स हैं, जिसमें हरभजन भी, वरिंदर सहवाग भी, गौतम गंभीर भी, इन सब के आप स्टेटमेंट सुन लें। जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में हराती थी, इनका वर्ल्ड कप से मैच स्टार्ट, वर्ल्ड कप में मैच होने से पहले इनकी इतनी बड़ी बातें, वॉक ओवर दे दो, खेलने की जरूरत नहीं है, हम तो आराम से मार देंगे, पाकिस्तानी टीम क्या करेगी, पाकिस्तानी ये क्या करेंगे, ये सारे इस किस्म की बातें किया करते थे। और हम जो आप पाकिस्तान टीम के लिए बात कर रहे हैं, स्पेशली बॉलर्स की, पाकिस्तान में कोई क्रिकेटर ये नहीं कह रहा कि इंडियन टीम हार जाएगी या इंडियन टीम पाकिस्तानी बॉलर्स का मुकाबला नहीं कर सकती। हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान के पास इतने टॉप के बॉलर्स आए हैं, और ये हम नहीं कह रहे, ये इंडिया के लोग भी कह रहे हैं। वो इस पे क्यों नहीं बात कर रहे कि जय शाह की हर धर्मी की वजह से पूरा टूर्नामेंट तबाह हो गया। ये पैसे मुझे चले पैसे जो भी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्स तो उनको लेना चाहिए ना। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ये मिलकर बात करते तो फिर जय शाह क्या होता, फिर जय शाह को मानना पड़ता और ये मैच जो है वो हमें टूटा चले जाते, दूसरी जगह चले जाते जहां पे कदरे बारिश जो है वो कम है। तो यकीनी तौर पर ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ इसमें इस बात पर उनके जो है ना खदशात नहीं होने चाहिए कि हमारे लिए रखा गया, बल्कि इस पर होना चाहिए कि आप क्यों इतना झुक रहे हैं। वो शाहिद भाई वाली बात के पैसों की वजह से, तो फिर पैसों की वजह से या तो फिर घर पे बैठे रहें, फिर ज्यादा बातें ना करेंगे जी हमें रिजर्व डे नहीं मिला, या तो स्टांस लें कि जी आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। 2 साल पहले इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जाना था और ऑस्ट्रेलिया की कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडिया ने अपनी पूरी जो आइटिनरी थी खुद बनाई, और जब ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी आवाज दिखाई तो इंडिया ने कहा ठीक है हम टूर ही नहीं करते। $128 मिलियन के टेलीविजन राइट्स ऑस्ट्रेलिया को मिले थे इस टूर से, तो सारे मुल्क बेबस है इंडिया के। विराट कोहली को यार, मतलब कहां विराट कोहली, कहां शाहीन शाह अफरीदी, कल का बच्चा है वो, बाबा हो गया क्रिकेट में विराट कोहली। तो विराट कोहली को लेकर के फिर रोहित शर्मा जो है वो अपने दौर में हिटमैन था, अब भारतीय लोग जो है वो मुकर गए, कहते हैं हमने तो 1 साल से 2 साल से उसको हिटमैन ही नहीं कहा। विक्रांत गुप्ता जी जो है वो अपने चैनल पे फरमा रहे थे कि किसी ने कहा उसको 1 साल पहले से अब तक, लोग मुकर के कहते जी हम तो अब उसको हिटमैन ही नहीं कहते। तो भाई ये चीज जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए। देखिए आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए अपनी टीम के ऊपर। कहीं पे आप अपनी बैटिंग को लेकर के परेशान है, टॉप ऑर्डर को,
कहीं पे आप अपने लोअर ऑर्डर को लेकर के परेशान है कि आप जो है वो कोशिश करते हैं कि आठवें नंबर के ऊपर किसी ना किसी तरह थोड़ा सा बैटिंग का कुशन हो। आप उसके लिए अपने एक प्रॉपर फास्ट बॉलर को, एक बड़े फास्ट बॉलर को आप ड्रॉप करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मोहम्मद शमी को बिठा दो, शार्दुल ठाकुर को डाल लो। जो नया ड्रामा लगा दिया गया जी कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो 10 तारीख को है उसके लिए एक रिजर्व डे जो है वो अनाउंस कर दिया गया। मतलब अगर 10 तारीख को मैच नहीं होगा या जितना मैच भी होगा वहीं से मैच स्टार्ट होगा 11 तारीख को। जाहिर बात है ये सब ड्रामेबाजियाँ ये जय शाह की वजह से हो रही हैं। सीधे तरीके से उसको ये अनाउंस करना चाहिए था कि कोलंबो में सारे मैचेस हैं 9 तारीख से और तो एंड के टूर्नामेंट तक सब में बारिश है, ठीक है ना। और मेरे पास अगर छतरी होती तो मैं तो आज छतरी रख के ये शो कर रहा होता, क्योंकि आपने मुझे देखा होगा कि आउटसाइड एज में जो हम शो करते हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे आज मैंने छतरी रख के शो किया। और ये जानबूझ के मैंने छतरी रखी क्योंकि ये तंज मारा है मैंने जय शाह को कि उनमें अगर थोड़ी सी कोई वो लफ्ज़ यूज़ करते ना, कोई है उनकी कुछ अपनी, तो उस हिसाब से इनको हम्बर टूटा में ये मैचेस कर देना चाहिए थे। अना का ज़िद का मसला उसने बनाया हुआ है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो छतरी है ना वो एक उसको गिफ्ट कर दूँ, और जो हालात वो मुझे नज़र आ रहे हैं ये भी बैठ के वहाँ मैच देखता रहेगा और वहीं से ये भी घर चला जाए, पर मैच तो होगा नहीं। मैं थोड़ा हार्ड ये बात करने जा रहा हूँ कि भाई इंडिया नहीं आना तो नहीं आए, हम उनके बगैर खेलेंगे भाई, आप ऐसा कर सकते हो? नहीं, आपने एक जगह स्टैंड करना है, या तो अगर उनके साथ चलना है तो फिर वो जैसे कहेंगे वैसे ही कर लें, और या फिर उनके अगेंस्ट जाना है तो ठीक है फिर उनके बगैर क्रिकेट खेलते रहे। तो लेकिन उसके लिए बार बार मैं बात करूँ, डायलॉग करें अपने आप को, जो हम बात करते कि अपने अपना हाउस ऑन ऑर्डर कर लें, अपना अगर अपना हाउस आपका ऑन ऑर्डर हो और आप एक जगह कहीं स्टैंड करते हो तो मेरे ख्याल से पास में भी ये हुआ जब आपने स्टैंड किया तो उसके रिजल्ट अच्छे आए, तो मेरे ख्याल से इसका स्टैंड करना चाहिए। और अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो इस वक्त अच्छे शेप में है, उनकी क्रिकेट अच्छे शेप में है, स्पॉन्सरशिप उनके पास है, मीडिया राइट्स उनके पास है, तो वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, और पास में भी ऐसा होता रहे। जो क्या श्रीलंका और बांग्लादेश इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी मैच की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब सिर्फ वैल्यू इंडिया पाकिस्तान की है, क्योंकि साफ ये इनकी चीज़ों से पता चलता है कि पैसों की बात है, नोट आएंगे नोट जिसकी वजह से जो है वो उस मैच की ज़्यादा वैल्यू है। मेरे ख्याल में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ के ऊपर ज़रूर इशू उठाना चाहिए कि भाई टूर्नामेंट हम दोनों भी खेल रहे हैं, सेम ही टूर्नामेंट खेल रहे हैं और सेम जगह पे खेल रहे हैं, जहाँ उनके मैच में बारिश होनी है हमारे मैच में भी होनी है। अगर बांग्लादेश और श्रीलंका का जो कल मैच है अगर उसमें 60-70% अगर बारिश बताई जा रही है तो क्या 60-70% जब किसी भी मैच में बारिश होती है तो क्या वो मैच कॉल्ड ऑफ नहीं हो जाता? हो जाता है, क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर कवर्स आपके अच्छे नहीं हैं, ठीक है, आपका ट्रेनिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं है तो मैच तो कॉल्ड ऑफ हो जाएगा। उसके बाद अगर कहीं कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही, कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही है, अगर ये सिलसिला भी चलता रहे तो एक टाइम जाके अंपायर्स कह देते हैं कि भाई मैच नहीं हो सकता, ग्राउंड बहुत ज्यादा गीला हो गया, तो रिजर्व डे उनके लिए भी होना चाहिए था। या पाकिस्तान की वार शुरू हो गई जनाब, जंग शुरू हो गई है, और तनवीर तो जंग के बचने के लिए जो है ना वो पुराने जमाने में ना ग्लेडिएटर्स नहीं होते थे, वो तीर आता था तो वो लेके आते थे। नहीं, छतरी में तीर आएगी तो यार आप समझ नहीं रहे बात। भाई मैं इस टाइम कोलंबो में, किसी टाइम भी बारिश हो सकती है, अब मैं छतरी लेने के लिए किसी को आवाजें तो नहीं लगाऊंगा, मैंने पहले से रखी हुई अपने ऊपर छतरी। भाई भी हल्का नहीं, कराची में बारिश की पेश हुई है कि नहीं है, लेकिन छतरी मेरे पास ही मौजूद है, लेकिन मैं चूंकि होस्ट हूं, मैं चाह रहा हूं जरा आपको मैं कोलंबो में कोई पाकिस्तान में रखूं। ये भाई ये फटा फटा फिर शुरू हो गया पाकिस्तान, ये वैसे पाकिस्तान डे मैच के से मुझे बाकी टीमों से बड़ी असर दिया। अच्छा बड़ी अपडेट आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन जस्ट हम चूंकि आप लोग हमें रोज जुड़ते हैं, मैं बता रहा हूं कि रिजर्व डे अनाउंस कर दिया गया है, यानी कि 10 तारीख को अगर मैच नहीं हुआ बारिश हो गई। अब रूल बता दूं आपको, रूल ये है जनाब कि अगर 10 तारीख को मैच हुआ, फॉर एग्जांपल टॉस हुआ, मैच हो गया, 10 ओवर हो गए, 10 ओवर के बाद बारिश हो गई, अब ऐसा नहीं होगा कि जी मैच नहीं हुआ तो ओवर कट होंगे, अकड़म बकड़म चटन जो भी होता है। अगर आज उस दिन मैच नहीं हुआ तो अगले दिन वहीं से मैच, वो कहते हैं सिलसिला वहीं से जुड़ेगा जहां से टूटा था। तो यहाँ ये भी है कि अगर आपकी एक इनिंग खत्म हो गई, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, इंडिया ने पहले बैटिंग की, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन जो है ना वो मैच दोबारा शुरू होगा, मैच वहीं से शुरू होगा अगले दिन ठीक 2:30 बजे। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तानी प्रो खिलाड़ी तनवीर अहमद बीसीसीआई के ऊपर काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि इसका कहना है कि भारत और पाकिस्तान मुकाबले में बारिश है तो अभी बीसीसीआई इसको वेन्यू चेंज नहीं कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि वेन्यू चेंज करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वेन्यू चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा मसले होते हैं। सबसे ज़्यादा मसले होते हैं ब्रॉडकास्टर को, क्योंकि ब्रॉडकास्टर को जब वहाँ पर मैच होती है, वहाँ पर टीम पहुँचने से पहले ब्रॉडकास्टर को पूरी तरह से तैयारियाँ करनी होती है। भले ही ब्रॉडकास्टर वहाँ पर पहुँच जाएँ, लेकिन अगर वहाँ पर सुविधा सही से नहीं होगी तो ब्रॉडकास्टर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी मैच दिखाने के लिए। इसलिए बीसीसीआई ऐसा किया है कि कोलंबो में ही मैच कर दिया है। लेकिन ये पाकिस्तानी खिलाड़ी कह रहा है कि कोलंबो के बजाय हेम्बनटोटा में शिफ्ट किया जाए, लेकिन इन पाकिस्तानियों को कौन समझा है कि हेम्बनटोटा में शिफ्ट करना
काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए बीसीसीआई भी चाहती है कि हेम्बनटोटा में मैच शिफ्ट ना हो। वहीं आपको बता दें कि कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि जो भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कल खेला जाएगा उसमें पाकिस्तान भारत को आसानी से हरा देगा, क्योंकि जब 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ था तो पाकिस्तान टीम ने भारतीय टीम को धूल चटा दिया था। लेकिन इनको कौन समझाए कि हर बार की तरह भारतीय ओपनर फ्लॉप नहीं हो जाएंगे। इस बार भारतीय ओपनर इन पाकिस्तानियों को औकात दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तानी भिखारी बॉलरों का औकात का तब पता चलेगा जब विराट कोहली कल के मुकाबले में इन पाकिस्तानी बॉलरों के छक्के छुड़ा देगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।